हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फर्स्ट टाइम गाइस इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे IMF जो निकालता है बजट से एक दिन पहले, उसमें बात हुई है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इस साल G20 का डिस्कशन इंडिया में होने वाला है और उसका एक प्राइम एजेंडा जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। क्या इस रिपोर्ट में बोला गया है, क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के इंडिया के अंदर यहाँ पे कोई संकेत दिए गए हैं, और इसमें यहाँ पे जो आशीष हैं क्वाइन कुबेर के जो को फाउंडर हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना ट्वीट जो है दिया है, वो भी क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इंडिया में अगर आप रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का आपके लिए होने वाला है। आज ही रिपोर्ट आई है ये जो मैं आपको, और दूसरी अगर ये डिटेल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो कॉन्टेंट है पूरा ये आया है यहाँ पे, नेसेसिटी ऑफ अ कॉमन अप्रोच टू रेगुलेटिंग द क्रिप्टो इकोसिस्टम। क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बोली गई हैं, वो 7 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग फटाफट जो है बात करते हैं। पहला पॉइंट, जब FTX का कोलैप्स हुआ था मैंने वो टाइम पे भी यही चीज बोली थी, इवन लूना के टाइम पे भी बोली थी कि अब गवर्नमेंट को एक नया पॉइंट जो है मिलने वाला है, और ये जो पूरे का पूरा आर्टिकल है, कंटेंट है जो, इसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है। द रीसेंट कोलैप्स ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंज FTX, मेन गेम जो एक फोकस हो गई है सारी चीजें वो FTX को लेके यहाँ पे हुई है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिस्कस करी गई है वो है कि US रेगुलेटर जो है उन्होंने भी डिसक्वालिफाइड कर दिया है बिटकॉइन, ईथर और वेरियस क्रिप्टो करेंसी को एज अ सिक्योरिटीज यहाँ पे। उसके बाद जो एक सेक्शन इन्होंने बनाया है क्रॉस कंट्री एनालिसिस रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसमें सबसे पहली बात हुई है मार्केट कैप की। हम जानते ही हैं नवंबर 2021 में लगभग 3 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैप जो है गई थी, तो वही यहाँ पे भी बात है कि $3 ट्रिलियन से लेके मार्केट कैप अब आ गई है 1 ट्रिलियन की यहाँ पे। तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रिप्टो का वॉलेटाइल है। और अगली चीज़ G20 के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं उस डिस्कशन में ज़रूर क्रिप्टो करेंसी को लेके बात होगी, और कहीं ना कहीं ये जो हम लोग अभी ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं यही हो सकता है वहाँ पे भी यूज़ किया जाए। इसके बाद अगली चीज़, अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो मैं आता हूँ नीचे। इसके बाद अगली चीज़ की मॉनिटरिंग और रेगुलेशन जो है क्रिप्टो करेंसी का वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। जितने अक्रॉस ग्लोबल हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैसे करेंगे वो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। अगेन बात ज़रूर हुई है कि जो रेगुलेशंस है उसको करना है, ट्रिकी है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में है वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को एक्सेस जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। उसी चीज़ के बारे में बात करी गई है कि इसको अगर सेंट्रलाइज किया जा सके तो हमारे पास कंट्रोल होगा जो गवर्नमेंट चाहती है। और अगर आप क्रिप्टो को सेंट्रलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये रिपोर्ट को काट के यहाँ पे भी जो आशीष ने बोला है उसी चीज़ पे आ रहा हूँ जो इन्होंने भी यहाँ पे बोली है कि अगर आप इसको सेंट्रलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने के बारे में बातें कर रहे हैं। जो लाइन इन्होंने यहाँ पे बोली है, लाइन खैर मैं बोलना नहीं चाहता, नेगेटिविटी ना फैलाएं अच्छा है, पर यही चीज़ इन्होंने बोली है कि बैन कर दो या आप दूर हटाने के लिए सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर रहे हो। अगली जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है व्हेल्स के बारे में, व्हेल्स मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिसके हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल है, वो जब चाहें यहाँ पे चीज़ों को घुमा सकते हैं। उसके बाद बात हुई है यहाँ पे मैसिव एनर्जी की माइनिंग के बारे में, कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। एंड में आऊँगा, उसके बाद फिर से रिपोर्ट में आएंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर बार क्रिप्टो करेंसी को लेके बोली जाती है, और वो यहाँ पे बोली जाती है क्रिमिनल एक्टिविटी और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अभी एक और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ का क्या सोचना है यहाँ पे, उन सब के बारे में बात करी है, क्रॉस बॉर्डर बाकी चीज़ें जो हैं रेगुलर चीज़ें उसके बारे में बात करी गई है, अलग अलग कंट्रीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। इसमें नाइजीरिया के बारे में बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने डिक्लेयर किया था फरवरी 2018 में कि क्रिप्टो एसेट को हम लोग
नॉट लीगल टेंडर करेंगे यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर। 2021 में इन्होंने बात करी, पर ये किसी ने बात नहीं करी कि अब नाइजीरिया के अंदर क्रिप्टो को एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। जब नाइजीरिया के बारे में बात हुई तो भाई इस रिपोर्ट के बारे में क्यों बात नहीं हुई? ये सब जो है इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने सब बोल दिया इस रिपोर्ट में। आपने ये नहीं बोला कि नाइजीरिया में बिटकॉइन जो है इस समय प्रीमियम रेट में जो है सेल आउट हो रहा है। कल हमने बात करी थी गाइस, आज की डेट में वहां पे 46,000-47,000 का एक बिटकॉइन बिक रहा है प्रीमियम रेट में गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से। वो चीजों के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। कुल मिला के जो गवर्नमेंट का मेन पॉइंट है वो है उसको कंट्रोल ना कर पाना इस रिपोर्ट के को, अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो। गवर्नमेंट चाह रही है किसी ना किसी तरीके से उसको कंट्रोल जो है यहाँ पे किया जाए, जिससे कंट्रोल अगर हमारे पास आ गया तो फिर हम लोग सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें इस रिपोर्ट में ये भी हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, GDP के बारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है, खैर अच्छी चीज़ है। पर हमारा वीडियो क्रिप्टो के बारे में है तो हम लोग खैर उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये था गाइस सर्वे, और ये जो रिपोर्ट है ये डेटा कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ किया जाएगा G20 के डिस्कशन में। वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से बात होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज वाला, वो चीज़ अगर यहाँ पे होती है, वो चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को यहाँ पे कुछ टैक्स लगा दिया 30% का, उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे लिए। खैर इससे रिलेटेड अगर आगे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो फटाफट किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस अपडेट इकोनॉमी सर्वे, सबसे ऊपर लेके चलता हूँ आपको इकोनॉमी सर्वे 2022-23 का फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और क्या वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या सोचना है वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। खैर इस रिपोर्ट में बैन वाला वर्ड कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है जिस चीज़ों से, उसको रिजॉल्व करके अगर आप कुछ सिस्टम बनाना चाहेंगे तो वो एक ना एक तरीके से उसी चीज़ की तरफ यहाँ पे इशारा करते हैं। तो ये था गाइस इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।